सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। महाशक्ति धरे नजय कुमारी रूप संसार
नमाशुद है। शंख चक्र कदाशाल गृहेता परमायुध है। प्रसिद्ध वैष्णवेरूप नारायण नमाशुद है। गृहीतोग्र महाचक्र दशरथ सुंदर है। वराह रूप निशिव नारायण नमाशुद है। नृसिंह रूप नौकरण हंसम जत्याग्रधम है। त्रैलोक नारायण नमाशुद है। करेगणे महावज्र सहस्रज्वल वृत्र प्राण हरे चंद्र नारायण नमाशुद है। शिव ज्योति स्वरूपेण तदत्र महाबल द्वार रूपे महाराव नारायण नमाशुद है। दशाकरा लवन शिरा बाला विभूषण चामुंड मुंड मथन नारायण नमाशुद है। लक्ष्मीलज्ज महाविद्य शब्द मुष्टि सुधुल महारात्रि महाविद्य नारायण नमाशुद है। मेधे सरस्वती भरे भूतिलाभ्रभितामसे नियत कम प्रसिदेश नारायण नमाशुद है। सर्वस्वरूप सर्वेश सर्वशक्ति समन्वित भयवस्त्रायी नौ देवी दुर्गा देवी नमाशुद है। एतत् वदनं शोकं लोचनत्रय भूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुत। ज्वालाकराल मत्रुद्रमशेषासुरशोधनं त्रिशूलं पातु नो भीतर्भद्रकाली नमोऽस्तुत। हिनस्ति धत्तु तेजांसि ध्वनेनापूरिराजत् साखण्डा पातु नो देवे पापेभ्यो नाशुधानि वा। असुरा सर्वसापङ्क चर्चितस्यकरज्ज्वलः शुभाय खण्डो भवतु चण्डिके त्वा शताभयम् रोधः न शशनभः सुदुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टा त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताया क्षयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत् त्वजनां त्वयाद्य धर्मान् दृशान्ते महासुरानां रूपे अनेकैर्भवधात्मभूति व्यक्तात्रकरात्रिकान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकधीत स्वाध्येषु वाक्येषु चकात्वधन्या नवात्रगर्जेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदेव विश्वम् रक्षासि यत्राग्रविशास्य नागा यत्र रयोजस्य बलानि यत्र गावाललो यत्र तथाद्य मध्ये तत्रास्ति का त्वं परिपास्य विश्वं विश्वेश्वरित्वं परिपास्य विश्वं विश्वात्मिकाधारयतीति विश्वम् विश्वेशवन्ध्या भवति भवन्ति विश्वाशयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीदपरिपालयनालभीते नित्यं यथा सर्वधा धनुनैव सद्यः पापानि सर्वजगता प्रशमन्नयाशु उत्पादपाकजनितास्य महोपसर्गान् ग्रन्थानां प्रसीदत्वं देवि विश्वातिहारिणि त्रैलोकवासिनामिडलोकानां वरदा भव देव्यो भाष वरदाहं सुलगणातरं जन्मनशेषध यक्षामि जगतामुपकारकम् देवानोचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यसाखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अश्वलहरिविनाशनम्
ఏభ్యోవాచ దేవసులంతరే ప్రాప్తరంతరించతి మే యుగే శుంభాని శుంభచేవానా ఉత్పత్స్యతే మహాసుర నందగోపగృహే యాతా యశోదా గర్భసంభవ తదస్తో నాశనిశ్యామి వింధ్యాచరణివాసిని పునరప్యతిరోద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే అవతీరాలిశ్యామి విప్రచిత్తాన్ సుధానవాన్ భోజనంతా సుధానుగ్రాన్ విప్రచిత్తాన్ మహాసురాన్ రక్తాదంతాభరిష్యన్ని దారిమే కుసుమాపమాః తథోమాం దేవతాః సర్గే మర్త్యలోకే చ మాధవాః సువంతో వ్యాహరిష్యన్ని చలనం రక్తదంతికాం ఉన్యశ్చ చతవాచిక్యామనా విశ్వామనా భజే ఉన్యమేహి సంస్థితా భూమా సంభవిష్యామి జోనియా తథాశదేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామి యన్మనే శాకంశ్యామిర్గమాఖ్యమహాసుర దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి పునశ్చాహ్యదాభీమరూపం కృత్వా హిమాచలే రక్షాజీవంసి నిశ్యామి మునీనాం కారణాత్ తదా మామునయః సర్వే స్పర్శం జానం ప్రమూర్తయః భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి యదారుణాఖ్యైలోక్య మహాబాధం కలిష్యతి తదాహం భ్రమరం రూపం కృత్వా శంఖేశ్వరం వేలోకేశాధ్యాయ వదిష్యామి మహాసురం భ్రమరీతి చ మాలోకస్తదా స్పృశంతి సర్వదః ఇత్థం యదా యదా భాదా దానువక్తా భవిష్యతి తదా తదాహం కలిష్యామి సంక్షయః कालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं आरती के इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य को अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपका आशीर्वाद दें आपके मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपके उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से
जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आज का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मजगजन्य मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरणों ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणान भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम
अथ दुर्गाया पद्मनाशक नमस्ते शरण्ये शिरे साधुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वाद्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणे सायि दुर्गे नमस्ते जगच्चेतमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणीत्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य त्रिशनातुरस्य मयातस्य भीतस्य वर्धस्य यन्तः स्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणीत्राहि दुर्गे शरण्ये जले संकटे राजगेहे प्रभाते स्वमेका गतिर्देवि निस्तारयेत् नमस्ते जगत्तारिणीत्राहि दुर्गे अपारे महास्तरे चन्द्रघोरे पिबन्तागरे स्वमेका गतिर्देवि निस्तारनाथा नमस्ते जगत्तारिणीत्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला समर्कण्डिता खण्डलाशे स्वमेका गतिर्विघ्नसन्दहस्रे नमस्ते जगत्तारिणीत्राहि दुर्गे स्वमेका सदाराधिता सत्यवधे ननेकाखिलाक्रोधनाक्रोधनिष्ठा विरापिन्दलाकसुमनादनादे नमस्ते जगत्तारिणीत्राहि दुर्गे नमामि विदुर्गे शिरे भीमनादे सदा सर्वसिद्धे प्रदात्रे स्वरूपे विभूतिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणीत्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मणिगणजवराणां ज्ञानविहे निर्गृहकृतानां यस्य वेदा
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों को वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। ओ,
उद्धव प्रबंधु बड़ा इस समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजन ने जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस माँ जगजन्य जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, माँ की आरती होती है, उस समय समस्त देवतागण भी अपने रूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते हैं, माँ की स्तुति करते हैं। यहाँ शक्तिपीठ है और जिस स्थान पर बैठ करके आप माँ भगवती का स्तवन कर रहे हैं, माँ की स्तुति कर रहे हैं, इसी स्थान से होकर के माँ वैष्णो देवी ने इस गुहा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुहा के अंदर दिव्य पिंडिक विराजमान होकर के तप कर रही है। जब घोर कल युग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी इसी शक्ति की उपासना करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसके आशीर्वाद से, जिसके वरदान से जिसमें देवगण जो हैं शक्ति संपन्न होकर के अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। जो भगवती आदि शक्ति इस गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडी को विराजमान है, जो मूल जड़ से एक ही पिंडी है, 5.5 फुट की जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती है, ऊपर आकर के तीन शक्ति बन गए, तीन स्वरूप हो गए और उन तीनों महाशक्ति दर्शन जो है वह पिंडी के रूप में है, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती। वास्तव में आदि शक्ति एक ही है, अजन्म ही नित्य स्वरूप है और संपूर्ण जगत जो है ये इन्हीं का रूप है। और जहां पर भी आप देखिए कि माँ का जो मूल आधार है वह एक ही है। और जिस समय सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है उस समय ये भगवती आदि शक्ति जो है तीन रूप में परिणत होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूप में, सत्व रज तम तीन गुणों के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, आ उवर मां ओंकार के रूप में ये भगवती जी विद्यमान है। इसके द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है और दुर्गा सरस्वती के द्वारा जो भगवती की साधना करते हैं इसमें भी तीन ही चरित्र हैं, प्रथम मध्यम और उत्तर। प्रथम चरित्र में सबसे पहले महाकाली का स्मरण किया गया है, द्वितीय चरित्र में जो है माँ लक्ष्मी का और तृतीय में महा सरस्वती का। और जहां पर मैं देखी जब माँ के दर्शनों के लिए भक्तजन माँ के दरबार में इस गुहा के अंदर प्रवेश करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले महाकाली के दर्शन करवाते हैं, फिर महालक्ष्मी के, फिर महा सरस्वती के। क्यों? माता महाकाली जो है ये भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है, शत्रु और विजय दिलाती है, देश विदेश में ये अंशक रक्षा करती है। तो सबसे पहले हमारे अंदर जो अवगुण है, जो दोष है, उन दोषों को शत्रु कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये यही शत्रु है। इनका विजय दिलाने वाली यही भगवती है। हमारे अंदर जो भी दोष हैं, जो भी अवगुण हैं, माँ भगवती कृपा से वह दूर हो, हमारा अंतकर शुद्ध हो, फिर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की जाती है, भगवती माँ लक्ष्मी जो है हमें धन लक्ष्मी का वरदान दे, क्योंकि धन लक्ष्मी के बिना भी जो है मनुष्य का जीवन ठीक प्रकार से नहीं चल पाता। उसके बाद जो है ज्ञान शक्ति का दृष्टि देवी माँ सरस्वती से प्रार्थना की जाती है, वह विद्या बुद्धि का वरदान दे, ज्ञान दे, विवेक दे, बुद्धि दे। तो तीनों से जो प्रार्थना की जाती है तो जी जो शारीरिक शक्ति देती है, शरीर तंदुरुस्त हो, निरोगी हो, माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए, माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाए, तो फिर जीवन में किसी प्रकार की कमी रहती नहीं। वह जीवन जो है माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से बिल्कुल सुव्यवस्थित ढंग से जो है वह चलता है, जीवन में कोई विघ्न बाधा नहीं आती।
जीवन यात्रा जो ठीक प्रकार चलती रहती है और इस प्रकार से लोग में वह साधु जो है सब प्रकार के सुखों का भोग करते हुए वही उनका परलोक भी कल्याण हो जाते हैं। जो भक्तजन इस माँ के शरणक धोकर के माँ की भक्ति करते हैं, माँ की साधना करते हैं, माँ की आराधना पूजा माँ की स्तुति करते हैं, जब मंत्र जिनके द्वारा माँ की आपने स्तुति की है, परम शक्तिशाली मंत्र है, इन्हीं मंत्रों के द्वारा देवताओं ने माँ की स्तुति की थी। जब जब देवताओं कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, विपत्ति आती है, कोई संकट आते हैं, तो देवगण जो है इसी माँ के शरणक धोकर के माँ से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना बड़ी अद्भुत शक्ति होती है। हृदय से जब साधु जो प्रार्थना करते हैं, जब माँ उनकी प्रार्थना को स्वीकार करती है, आशीर्वाद देती है, कृपा करती है उन भक्तों पर जो है, और उनका जीवन जो है ठीक प्रकार से उनकी समस्त विघ्न बाधा दूर होती है और जीवन जो है ठीक प्रकार चलना शुरू हो जाता है। उनकी जो भी मनोनिष्ठित कामना होती है माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से वे ही पूर्ण होती है। महिषासुर निर्णय से भक्तानां सुखदेय नमः, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। महिषासुर का नाश करने वाले और भक्तों को सुख देने वाली वह भगवती आदि शक्ति हमें रूप दे, यय दे, यश दे, हमारे काम क्रोध शत्रु का नाश करें, हमारी समस्त विपत्तियों को कष्टों को दूर कर करके हम सब भक्तों का कल्याण करें। उस भगवती के चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार ही, वह भगवती आदि शक्ति सब ओर से भक्तों की रक्षा करें, हम सबका कल्याण करें, हमें ज्ञान दें, सद्बुद्धि दें और सर्वदा हम भक्तों के अंग संग रक्षा करें। बोलो सच्चे द्रवारी जय। भगवान शिव जो है ये माँ पार्वती को कह रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य का अपना जीवन जीना चाहिए। मनुष्य जो है ज्ञान प्राप्त करता है, कोरे ज्ञान से जो है कुछ भी होने वाला नहीं होता। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, बहुत सारे लोग हैं प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, इस प्रकार से अनेक मंत्रों का पाठ करते हैं, परंतु उसमें गीता में कहा क्या, भगवान ने कहा क्या है, दुर्गा सप्तशती ने माँ ने क्या कहा, क्या उपदेश दिया है, क्या हमें करना है, उसे अपने जीवन में उतारना तो इसका ज्ञान का लाभ होता है। उसके उन्हीं की उसी के अनुसार जो है जब साधक आचरण करता है, ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान जो प्राप्त किए हैं उसके अनुरूप ही जो है जब उसका आचरण करता है तो उसका लाभ होता है और वह व्यक्ति जो है वह जीव जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होता है। तो कोरे ज्ञान से जो है कुछ नहीं होता, उसे आचरण में लाना आवश्यक है। काम क्रोध लोभ आदि जो शत्रु हैं सब जानते हैं, मैं बतला रहा हूं ऐसी बात नहीं, मैं भी जानता हूं आप भी जानते हैं, काम है क्रोध है लोभ है, एक क्षण का एक क्षण में बुद्धि विकृति आती है, चाहे काम के अधीन हो जाता है आदमी, चाहे वह लोभ के अधीन हो जाएगा, चाहे क्रोध के अधीन होकर के एक क्षण का क्रोध जो है अनर्थ कर डालता है, एक क्षण का लोभ जो है वह जो है जीवन ही परिवर्तन हो जाता है कि देखिए कैसा अनर्थकारी काम हो गया और जिससे जीवन भर जो है कष्ट में रहना पड़ता है, एक क्षण की बात होती है। तो इस प्रकार से जानते सब हैं, परंतु इतना जान लेना मात्र जो है जी जो है इससे काम नहीं बनता है जानने से, परंतु जो है उसका त्याग करने से। अब त्याग जो कैसे हो, जी उसकी कृपा से होता है। तभी कहते हैं कि प्रार्थना करें प्रातःकाल सायंकाल जो है, जब माँ की जोत जगाते हैं, माँ की आरती करते हैं, माँ की स्तुति करते हैं, माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं परिवार इकट्ठे होकर के, और इस प्रकार से प्रार्थना करते कि माँ पर कृपा करना, हमें आशीर्वाद देना, हमें सद्ज्ञान देना, हम जिस कार्य के लिए भी जा रहे हैं उन कार्य में हमें सिद्धि प्राप्त हो, सफलता हो और जो है बुरा कर्म ना हो, हमारी बुद्धि जो ठीक निर्णय करें उसमें किसी को विकृति ना आए, ऐसी प्रार्थना करें प्रातः काल। सायंकाल को जब वापस लौटते माँ की आरती करते हैं जोत जगाते हैं, तो
जी भी सोचे विचारे आज दिन भर में अच्छे काम कितने होंगे, बुरे कितने, कहा हमसे कोई गलती हुई है, उसके लिए माँ से प्रार्थना करें ऐसा क्यों हुआ, हमें क्रोध क्यों आ गया, क्रोध में आकर के हमने जो है अपने नौकर को डांट दिया, जिस प्रकार ऑफिस में जाकर झगड़ा कर दिया, तो माँ ऐसा क्रोध जो है ऐसी कृपा करें ताकि हम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकें, इसकी कृपा हो जाए तो कभी जो है बुद्धि विकृति नहीं आती। हम बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि ये काम है इस प्रकार से ऐसा हम ये काम करेंगे, परंतु जो सोचा होता वो होता नहीं, दिन भर दूसरे दूसरे काम होते रहते। तो कारण ये कोई अदृश्य शक्ति ही, जब उसी के कारण से होता है, उसी की सब प्रेरणा है, तो जो है जब उसी के शरणक धोकर के हम जो है कहते कि माँ जो भी कार्य है जब करवाने वाली आप, करने वाली आप जो है उसका धन्यवाद करते हुए, इस प्रकार जो भी अच्छा कार्य हो तो ही माँ का धन्यवाद, बुरा भी हो माता कभी हमसे कोई बुरा कर्म ना हो, हमें बिल्कुल ठीक रास्ते पर चलाना। जब माँ को हम बार बार कहते हैं कभी कोई ऐसा बुरा कर्म हो भी जाते हैं तो उसमें माँ के माँ आपको तो कहा था हमारी बुद्धि को ठीक रखना, विकृति कैसे आई। तो इस प्रकार से जब बार बार हम प्रार्थना करते हैं उसकी कृपा होती है, तो मैं आपको बतला रहा था कि भगवान शिव जो है जी माँ पार्वती को जो उपदेश देते हैं इस प्रकार से वे कह रहे हैं कि सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप जो है भगवान शंकर ने पार्वती के पूछने पर जो है यही उन्हें जो है नीति धर्म उपदेश जो है ये प्रधान किया है, उनको दिए हैं कि जो बड़ा ही उपयोगी और परम हित को देने वाला है, हित साधने वाला है, इस प्रकार से भगवान शंकर बताते हैं कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, सत्य। सबसे बड़ा धर्म जो क्या है वह सत्य है, और सबसे बड़ा पाप क्या है, असत्य। इसलिए वह कहते हैं कि नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानिर्दात पातकम परम, कि सत्य के समान जो है कोई धर्म नहीं है, और पाप के समान जो है इस प्रकार से असत्य के समान कोई पाप नहीं। इसलिए हमेशा जो है मनुष्य को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, यही धर्म है। इसलिए मन वाणी और कर्म से जो है सदा ही सत्य का व्यवहार जो करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। असत्य का जो है आश्रय कभी न करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए जीवन जब संकल्प ले लेता है व्यक्ति, और मैं जो है जीवन कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, कुछ भी हो जाए अवश्य सिद्धि मिलती है। ऐसी बात नहीं है कि झूठ से, बहुत सारे ऐसे लोग थे, हमारा कारोबार ही ऐसा है कि झूठ के बिना काम चलता ही नहीं। आप एक बार सत्य के मार्ग पर चल करके देखिए, अपने आप जो है ऐसी देव कृपा होगी आपका काम चलता क्या दौड़ेगा, क्योंकि सब कुछ उसी की कृपा से, जो सब सिद्धि सिद्धि हमें प्राप्त होती है उसी कृपा से होती है। इसलिए कुछ समय जो है सत्य में कष्ट जरूर आते हैं, और यदि झूठ बोलते हैं उसमें प्रारंभ में आनंद आता है, परंतु उसका फल बड़ा भयंकर होता है। सत्य में प्रारंभ में जो है दुख जरूर होते हैं, परंतु का फल जो है वह बड़ा अच्छा होता है। राजा हरिश्चंद्र जो है उसने सत्य का त्याग नहीं किया, आज उसकी कीर्ति अटल है। एक राजा थे और ऐसे प्रतिज्ञा ले ली और उसका पालन किया, तो जहां तक देवताओं को उसके पास आना पड़ा, सभी देवगण जो उपस्थित हुए उसके सामने। इसलिए जो है सत्य के समान कोई धर्म नहीं, इस भगवान शंकर कहते हैं कि इसका पालन करना चाहिए कल्याण का मनुष्य को। भगवान शंकर कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शुभ तथा अशुभ कर्म में जो है सदा अपने आप को ही वह साक्षी माने, और जो है मन वाणी और जो है क्रिया के द्वारा कभी जो है पाप ना करे। पाप से हमेशा सबको बचना चाहिए, इस प्रकार से पाप करने की इच्छा न करें, क्योंकि आत्मा साखी भवे नित्यम आत्मनस्तु शुभाशुभ। इस प्रकार से कभी भी जो है शुभ और अशुभ जो भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसका फल उसी को भोगना पड़ता है। मनसा कर्मणा वाचा नाचा कांक्षेद पातकम, मन वाणी कर्म के द्वारा कभी का पाप कर मत करें इस प्रकार से, क्योंकि जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल भोगना पड़ता है। उसके स्थान पर जो है
दूसरा जो है, कोई कहे कि पाप तो इसने किए हैं फल दूसरा भोग लेगा, ऐसा नहीं, स्वयं को ही भोगना पड़ते हैं, दूसरा को इसे भोगने का ऐसा अधिकारी जो है वह नहीं है, उसी को भोगना पड़ता है उस कर्म का फल जो है। इसलिए यादृशम कुरुते कर्म तादृशम फलमाश्नुते, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल ही भोगना पड़ता है। स्वकृतस्य फलम भोगते नान्यस् तद भोक्तृमर्हति, इसलिए जो है कोई दूसरा नहीं उसको फल के भोगने के लिए आएगा, इसलिए इससे हमेशा जो है पाप से बचना चाहिए। नास्ति तृष्णा समं दुःखम, फिर वह कह रहे हैं उपदेश देते हुए, नास्ति तृष्णा समं दुःखम, नास्ति त्याग समं सुखम, सर्वं कामं परित्यज्य भ्रम भुजाय कल्पते। नास्ति तृष्णा समं दुःखम, तृष्णा के समान कोई दुख नहीं, और नास्ति त्याग समं सुखम, त्याग के समान कोई जो है सुख नहीं। इसलिए जो है तृष्णा जो है, तृष्णा न जीना भय में जीना, मनुष्य जब तृष्णा में फंस जाता है, लोभ में फंस जाता है, तो एक कामना पूर्ण होती है दूसरी तैयार हो जाती है, वो पूरी हो गई तीसरी तैयार हो जाएगी, तो मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, जर्जर अवस्था आ जाती है, परंतु जब तृष्णा बूढ़ी नहीं होती, अंत स्वास्थ्य बढ़ती जाती है, यदि त्याग है तो सुख है, और जो तृष्णा में फंसा हुआ व्यक्ति जो है वह जीवन भर जो है वह दुखी रहता है। भगवान शिव कह रहे हैं, जो किस समय की बात है, मां पार्वती के मन में जो बात आई थी कि वैकुंठ लोक में लक्ष्मी कितनी सुखपूर्वक रहती है, सबके अपने घर गृहस्थ होते हैं, घर मकान होते हैं, रसोई घर होते हैं, जहां भोजन बनता है, सब व्यवस्था होती है, भगवान शिव के कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, वह देते हैं सबको देते, लेकिन स्वयं आप कहें तो पार्वती ने जिज्ञासा की थी कि हमारा घर हो मकान हो कम से कम, तो इस प्रकार से अब जो है वहां पर रहे, तो उन्होंने कहा ठीक है पार्वती, यदि आपकी इच्छा तो ऐसे ही सही। कुबेर को कहा गया सारी व्यवस्था ही बहुत बड़ा के सुंदर जो है ऐसा भवन होना चाहिए, तो भवन का निर्माण हुआ, अब प्रवेश करना है, तब भगवान शिव कहने लगे प्रवेश करना है तो पहले पूजा भी तो होनी चाहिए, गृह प्रवेश होगा तो पूजन हो गई, अब पूजा के लिए विचार करने लगे किसे बुलाएं, कौन विद्वान पंडित आए तो पूजा करवाए, तब जो है जब विचार किया तो उन्होंने कहा कि समय रावण जो है जो चारों वेदों का ज्ञाता है उससे बड़ा कोई विद्वान नहीं, तो रावण को बुलाया था भाई, जब पूजा करवाने के लिए वहां पर आए और पूजा करवाई, तब जो दक्षिणा आप पुरोहित जो है पंडित जो वही गृह प्रवेश करवाएगा तो दक्षिणा भी, तो दक्षिणा के लिए जाओ, उन्होंने कहा बतलाइए पंडित जी क्या दक्षिणा, तो उन्होंने कहा कि आप जो है जो देना चाहते दीजिए, तब उन्होंने कहा कि आप कहीं क्या, आप क्या चाहते हैं, कितनी दक्षिणा दें आपको, उसने कहा मेरी इच्छा ये है, ये भवन मुझे बहुत पसंद है, ये दे दीजिए, तो कहते हैं भगवान शिव ने वहीं प्रवेश किए नहीं, गए नहीं वहां पर, रावण ने ही प्रवेश किया लंका में, तो इस प्रकार सोने की लंका जो रावण को प्रदान कर दी, इतने त्यागी थे, तो कहते हैं भगवान क्या कह रहे हैं कि त्याग के समान कोई सुख नहीं, आनंद ही आनंद है, फिर धन संपत्ति के लिए जो है हम दिन रात जो है चिंता करते हैं, पार्वती जे अर्थ, अर्थ धन को क्या कहते हैं अर्थ, अर्थ जो है यही अनर्थ का मूल है, अर्थ ही अनर्थ का मूल है, जे धन जो है सुख देता है, जे धन जो है दुख भी देता है, जे धन जो है सब प्रकार का आनंद देता है, महलों में व्यक्ति रहते हैं, परंतु जे अर्थ जे धन जो है जेल में भी चक्की पिसवाता है, अर्थ के कारण ही अनर्थ होते हैं, अर्थ जो है ये अनर्थ का मूल है, अर्थ को सभी जो है अनर्थों का जो मूल बताते हुए भगवान शिव कहते हैं कि धन के उपार्जन में जो है जब व्यक्ति धन कमाता है कितना दुख होता है, कितना परिश्रम करता है, और परिश्रम कर करके धन इकट्ठा करता है, बैंक भरता है, जहाँ क्या विदेशों में भी फिर जमा करवाता है कि जहाँ कहीं ऐसा ना हो जाए परेशानी आ जाए तो विदेश में इसको जमा करवा देते हैं, तो एक तो परिश्रम कर करके उसको इकट्ठा करना कितना दुख होता है, और फिर जो है उसकी रक्षा के लिए जहां रखो वहां रखो फिर दुखी,
फिर परेशान, कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए, कहीं कोई इनकम टैक्स वाला ना पकड़ ले और इस प्रकार से रेड ना पड़ जाए, आकर के सारा का सारा लूट करके लेना चाहिए। और यदि ऐसी परिस्थिति आ गई तो कितना दुख होगा कि जीवन भर इकट्ठा करता रहा, कितना कुछ किया मैंने, कितने को दुख दिया, धन इकट्ठा किया, और फिर जो है जो इनकम टैक्स वाले आ गए या दूसरे आ गए और उन्होंने आकर के सारा का सारा वह उठा करके ले गए और खुद भी जेल में जाना पड़ा, कितना दुख है। तो क्या होगा, धन के कारण उपार्जन जो है जब उसको अर्जित करते तो दुख है, फिर जो उसको उसकी रक्षा के लिए फिर परेशानी है, और धन का यदि नाश हो जाता है तो परेशानी, यदि भय खर्च हो जाते हैं तो परेशानी, इस प्रकार दुख भाजन बने हुए धन को धिक्कार है। जो भगवान शिव कह रहे हैं क्या बहुत त्यागी है, तो कहते हैं धन इतना ही चाहिए जितने हमारा परिवार चले, कोई अतिथि आ जाए उसका ठीक प्रकार आदर सत्कार हो जाए, अति जो है किस चीज की भी अच्छी नहीं होती। पार्वती अति जो है किसी चीज की भी अच्छी नहीं होती, इसलिए अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जिता नाम तो रक्षणे नाशे दुखम भेद दुखम दिगर्थम दुख भाजनाम, इसलिए ऐसे धन को धिक्कार है। तो भगवान ये उपदेश देते हुए पार्वती को कह रहे हैं, इसलिए ये कुछ ऐसी नीति शास्त्र के वाक्य जो मैंने आपको बतलाए हैं, यदि मनुष्य ने जीवन उतारे और कभी कोई ऐसा कोई कार्य आप करते भी हैं तो यदि वो बात सत्संग की आ जाए तो ऐसा कहा था पंडित जी ने, तो आप वहीं पर आप रुक जाओगे कि इससे हमारा अनिष्ट हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता, जितनी जरूरत है उतना ही रखें। और असली धन क्या है, धर्म कर्म, अच्छे कर्म करो, भगवान की आराधना करो जो आपके साथ साथ चलेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। समय अधिक शुक्र, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूं, श्री जयपाल जी महाराज के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे, आप सभी भक्तन संकीर्तन सहयोग देना से मिलकर उन्हें ताली बजाते, श्री जयपाल जी जय कर मां दी मूर्ति हस के मेरे नाल बोल, 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 पैरी पवा के छले एक बार सभी भक्त जी ने अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए, हाथ सभी ऊपर, माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपके मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर देता रहे। गर्जत खाली तेरे जहामा प्यार कितना लगे, गर्जत खाना तेरे जहामा प्यार कितना लगे, जिस पासे भी नजर घुमावा जानते वैरी सब, जिस पासे भी नजर घुमावा जानते वैरी सब, मैं निर्बल कम जोर बड़ा के मेरे नाल मैं सुनिया सब खैरा लगे तेरे पावन दर तो, मैं सुनिया सब खैरा लगे तेरे पावन दर तो, दुनिया दी दाती मैनू हम न मोड़ी दर तो,
दुनिया की दाती मैनू है ना मोरी दर तो कोई बहाना करके देखी हो कोई बहाना करके देखी करी न कालम तो हस के मेरे नल बोल मां दी मूर्ति हस के मेरे नल बोल मां दी मूर्ति हस के मेरे नल बोल दुख हरनी दुख दर्द मुसीबत तेरे हरे आ हर दे दुख हरनी दुख दर्द मुसीबत तेरे हरे आ हर दे निगाह सबली होवे जे तेरे पत्थर भी तर दे जा सबली होवे जो तेरी का पत्थर भी तर दे बंड दे खजाना मेहर तहुण भी बंड दे खजाना मेहर तहुण भी द्वार दया दा खोल हस के मेरे नल बोल मां दिए मूर्ति हस के मेरे नल बोल मां दिए मूर्ति हस के मेरे नल बोल मेरी मैं तेरा भवानी फर्क पला है किथे तू मेरी मैं तेरा भवानी फर्क पला है किथे हसी भी उस थां क्यों ना रही है तू मां बस दे जिथे हसी भी उस थां क्यों ना रही है तू मां बस दे जिथे जी करदा निर्दोष मैं के ओ जी करदा निर्दोष मैं के दुख सुख लइए फोल हस के मेरे नल बोल मां दी मूर्ति हस के मेरे नल बोल मां दी मूर्ति हस के मेरे नल बोल पैरी पवा के छाले में दां हो पैरी पवा के छाले में हस के मेरे नल बोल मां दी मूर्ति हस के मेरे नल बोल मां दी मूर्ति हस के मेरे नल बोल जयकार शेरावली दा बोल सच्चे दरबार की जय तभी भजन प्रस्तुत करेंगे श्री विजय कुमार जी जयकारा शेरावली दा बोल सच्चे दरबार की मायोड़ चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना मायोड़ चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना मायोड़ के चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना मायोड़ चुनरिया लाल मैया जी मेरे घर आना माँ ते शेर सवार मैया जी मेरे घर आना घर आना घर आना ओ के शेर सवार मैया जी मेरे घर आना घर आना ओ के शेर सवार मैया जी मेरे घर आना मैंने सारी रात तेरी ज्योति जगाई मैंने सारी रात तेरी ज्योति जगाई ज्योति जगाई मैया ज्योति जगाई ज्योति जगाई मैया ज्योति जगाई तू नहीं आई मैया तेरी रुसवाई तू नहीं आई मैया तेरी रुसवाई माँ सुन लो माँ सुन लो माँ सुन लो मेरी पुकार मैया जी मेरे घर आना माँ सुन लो मेरी पुकार मैया जी मेरे घर आना हरियाणा होके शेर सवार मैया जी मेरे घर आना
को मसारा जग आएगा, तेरे दर्श को मसारा जग आएगा, बोल जयकार तेरी भेंट वो गाएगा, बोल जयकार तेरी भेंट वो गाएगा। माँ सबका माँ सबका माँ सबका रखना भैया मेरे घर आना, माँ सबका रखना भैया भैया जी मेरे घर आना, शेर सवार भैया जी मेरे घर आना, हो के शेर सवार भैया जी मेरे घर आना, बोल चुनरिया लाल भैया जी मेरे घर आना, बोल चुनरिया लाल भैया जी मेरे घर आना, मुझको कहीं भी मिला ना ठिकाना, मुझको कहीं भी मिला ना ठिकाना, लिया मैंने सारा ही जमाना, देख लिया मैंने सारा ही जमाना, हम पे करो उपकार भैया जी मेरे घर आना, हम को भैया जी मेरे घर आना, घर आना तो के शेर सवार भैया जी मेरे घर आना, तेरे दीदार की आस लगाई, आस लगाई मायास लगाई, आस लगाई मायास लगाई, श्रद्धा से तेरी माँ जोत जगाई, श्रद्धा से तेरी माँ जोत जगाई, वो जोत जगाई मैया जोत जगाई, जोत जगाई मैंने जोत जगाई, माँ खोल दयाता द्वार भैया जी मेरे घर आना, माँ खोल दया का द्वार भैया जी मेरे घर आना, माँ ओल चुनरिया लाल भैया जी मेरे घर आना, ओल चुनरिया लाल भैया जी मेरे घर आना, माँ पहन के चोला लाल भैया जी मेरे घर आना, ओ पहन के चोला लाल भैया जी मेरे घर शेर सवार भैया जी मेरे घर आना, घर आना कौन भैया जी मेरे घर आना, घर आना ओ के शेर सवार भैया जी मेरे घर आना, घर आना और के शेर सवार भैया जी मेरे घर आना, घर आना और चुनरिया लाल भैया जी मेरे घर आना, घर आना चुनरिया लाल भैया जी मेरे घर आना, 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 शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय, जय करा मेरे शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय, हो जो तू ना फड़दी साडी बा, जे तू ना फड़दी साडी बा असां रुल जाना सी, हो फिर किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी, हो जाता पढ़दी साडी बा असा रुल जाना सी, फिर किते ना मिलदी था असा रुल जाना सी, हो जाता ना पढ़दी साडी बा असा रुल जाना सी, असारुल जाना जे तू ना फड़दी साडी बा असारुल जाना सी, फिर किते ना मिलदी था असारुल जाना सी,
सीता असारुल जाना असारुल जाना फिर किसे न मिल दीखा असारुल जाना फिर किसे न मिल दीखा असारुल जाना फिर किसे न मिल दीखा असारुल जाना Thank you.
आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा ही जो भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रही और माँ वैष्णो देवी प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रही, अपना आशीर्वाद आपको देती रही और माँ के आशीर्वाद से आप भक्तों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि हो, आपके घरों में आपके परिवार में सुख समृद्धि हो, आप उत्तर उत्तर उन्नतशील हो, उन्नति को प्राप्त हो और माँ वैष्णवी हर स्थान पर देश विदेश में हर क्षण हर पल अंग संग आपकी रक्षा करें, आपकी दीर्घायु करें, आपके कारोबार में वृद्धि करें, सर्वत्र आपका मंगल मंगल करें। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधि के शरण्य त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्ते। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतति भवन भव श्रीमान शशि भव प्रज्ञा भवन भव भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठ भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भ दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंभर पाद पुण्य सर्वोपकारी भव
मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशस्त मित्राणाम देश शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यम अवदत् शुभमानम हियते धनम धान्यम पशु बहुपुत्र लाभ सत्संवत्सर दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सही भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल के बोलना ताली बजाते हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम तो सजन धावत मैया जी को निश दिन जावत हरि ब्रह्मा शिव ओम जय Thank you.
सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, दिशो देहि दिशो
यशो देहि द्विषो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् शान्तिः 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 बैठे आरती क्रम देखे सुनी और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। अब परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती गणन लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। Oh, Jagannatha, 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 Jagannatha,
भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें। इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाए। सभी मिलके खज के
पूरे दिल से आप अपनी जय माँ की जयकारे की आवाज निकालिए, उससे पता चल जाएगा कि आपको आरती का आनंद आया कि नहीं आया। सबको आया ना आरती का आनंद, इसलिए पूरे जोर से बोलिएगा। आपकी जोर से बोलने का जयकारा माँ से आशीर्वाद लेता हुआ आपके घर तक जाएगा। और सबसे पहले जो लाइनों में खड़े हैं उन तक पहुंचेगा, उनको पता चल जाएगा आरती हो गई, उनमें नई जोश आ जाए। तो आपका भी समय माता रानी से मिलने का हो रहा है, जैसे समय पास आ रहा है, दिल में होता है कब माँ के पास पहुंचे, माँ से मिले। भगवती माता रानी जिस विश्वास जिस लगन के साथ आप अपनी माँ के पास आए हैं, जगत जननी माता रानी जी आपकी चोलियां खुशियों से भरी। बोलो सच्चे लगता है शीशे लगाने का समय सही है। बोलो सच्चे बोलो सच्चे आशीर्वाद जय माता दी।